नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋचा दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर से। बड़ी खबर छतरपुर से है, जहां सागर लोकायुक्त टीम ने छतरपुर में विद्युत विभाग के सहायक अभियंता पर छापामार कार्यवाही कर 80,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा दो अन्य लोगों को अभी आरोपी बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक आवेदक शैलेंद्र एकवार की दोना फैक्ट्री के बिजली चोरी का प्रकरण न बनाने व बिजली का स्थायी मीटर लगवाने के एवज में 1,00,000 की रिश्वत मांग की गई थी, जिसके परिपालन में पीड़ित 80,000 रुपए की रिश्वत राशि लेकर विभाग में पहुंचा। आवेदक ने 26 जुलाई को इस मामले की शिकायत लोकायुक्त से की थी, जिसके निर्देश पर सोमवार को उसने राशि रिंकू मैना को सौंप दी। जैसे ही राशि ऑफिस जाकर रिंकू मैना के हाथ में दी गई, लोकायुक्त पुलिस ने आरोपीगण को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस मामले में रिंकू मैना का कहना है कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। है सबसे पहले रिंकू मैना जी और एक टीए साहब हमारे प्रवीण तिवारी जी और घनश्याम द्विवेदी जो लाइनमैन है, इन्होंने हमारे ऊपर कार्रवाई की थी। बिजली प्रकरण का दर्ज केस दर्ज करवाने के लिए हमारे से रिश्वत मांगी जा रही थी 1,00,000 रुपए, जो मैं किसी वजह से आज 80,000 रुपए लेके आया और मैंने सर को दे दिया, रिंकू सर को। और लोकायुक्त की टीम आई और उन्होंने जो है पीछे से पैसे कार्रवाई स्टार्ट कर। सर मेरा प्रकरण मेरे ऊपर केस चोरी का केस लगाना चाहते थे, तो मैंने सर रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा 1,00,000 रुपए लेके आइए तो आपका केस नहीं बनेगा और आपकी जो है समाधान हो जाएगा, आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा, आपका केस नहीं बनेगा। आपके पहले आपने लोकायुक्त में शिकायत की थी? सर मेरा शायद ये 26 तारीख का है प्रकरण, जो 26 तारीख को मैंने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज की थी। नहीं अभी, हाँ जी जुलाई को, 26 जुलाई को मैंने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज करवाई थी। आज हमने एक ट्रेप की कार्रवाई की है विद्युत मंडल छतरपुर में। सहायक यंत्री रिंकू मैना और टीए जो है तिवारी और लाइनमैन घनश्याम दुबे को आज हमने जो है 80,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। आवेदक ने 25 तारीख को एक शिकायत की थी कि उससे जो है बिजली चोरी का फर्जी प्रकरण बनाने एवं उसका जो है स्थायी मीटर कनेक्शन लगाने के एवज में उससे 1,00,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी, और जिस पे जो है उसको तस्दीक किया गया और सही पाए जाने पर उससे 80,000 रुपए की जो रिश्वत की मांग की जा रही थी, आज हमने ट्रेप की कार्रवाई की है। और आज हमने विद्युत मंडल छतरपुर में सहायक यंत्री रिंकू मैना, टीए जो तिवारी और लाइनमैन को जो है 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जा रही है। चेंबर में पकड़ा है? हाँ चेंबर में, ठीक है।